यहाँ से हम निकल रहे हैं चलो, और बाकी सभी आगे चले गए हैं। और गाइस ये देखो पहाड़ क्या अल्टीमेट है यार, जैसे डायमंड कट नहीं होते वैसे ही बिल्कुल। हाँ जब तू उधर से नहीं गया वो स्लोप से ऐसे उड़ी ऊपर है मुझे को, मेरे को जब मैंने तेरे को देखा नहीं मेरे को भी तब भी पता लगा, पहले मैंने भी देखा। क्या आ गया भाई डैम, आ गई भाई सलाल डैम यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, काफी बढ़िया डैम है यार। क्या हुआ सर? नहीं नहीं डैम नहीं जाना हमने, हमने पता कहाँ जाना है, हमने जो सीधा रास्ता आगे जाके वो कटरा से निकलता है ना अड्डे पे, हाँ नहीं नहीं डैम पे नहीं जाना हमने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं पहले भी आया अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू थैंक यू। ये देखा अंकल कितने अच्छे थे प्लीज मैं अंकल। और गाय स्पेशल परमिशन ली है, वो देखो वहाँ से पानी छूट रहा है, लेकिन पिछली बार जब मैं आया था गर्मियों के मौसम में तो यहाँ पे बिल्कुल पानी इससे भी ज़्यादा में था और ये पूरा भरा हुआ था, इस बार कम है यहाँ पे पानी। ये देखो गाय डैम, वो वहाँ से पानी आ रहा है आपको दिख रहा होगा, और बाकी सभी आगे चले गए हैं तो हम भी चलते आगे। तो तो नहीं है, पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे किसी ने नहीं रोका था, पहली बार आज इस बार रोका है। और वो देख लो आप ऊपर बस जा रही है, हमें भी वहाँ पे जाना है। शायद क्या पता मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ना हो रही हो क्योंकि यहाँ पे हवा बड़ी तेज चल रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ से ना व्यू दिखाना चाहता हूँ नीचे जो बड़ा ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो गाइस क्या ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से डैम का, वो देखो यार। और दोस्तों यार प्लीज यार देखा करो वीडियो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो यार। देखो कितना जबरदस्त, ये देखो ना कितनी खूबसूरती है यार जम्मू में, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, आप खुद यहाँ पे लाइव आओगे तो देखोगे यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल है जगह। कहाँ जा रहा है? आगे कुछ नहीं है, आगे फिर सीधा उधर ही है। उसको पता लगा? पता लगा उसको? जाना कहाँ है? भाई इधर आगे जाना है, लेकिन आगे जाके कोई स्पॉट नहीं है रुकने का, फिर आगे जाके एक टर्न आएगा वहां से हमने सीधा वो उधर बस अड्डे पे निकलना है रियासी वाले। भाई आज सवेरे सवेरे मैंने पहली मतलब बड़ी देर बाद निकाली ये बाइक, और ना मैंने इसको पॉलिश किया था यार। और ये देखो मेरी बाइक की हालत गाइस, दोस्तों पहले मैं कर रहा था HD पे शूट क्योंकि 4K पे ना बड़ा ज़्यादा डाट मतलब मेमोरी खाता फ़ोन, तो इसलिए मैं 4K पे शूट नहीं कर रहा था। और ये देखो बाइक की हालत, और सुबह सुबह आपको मैंने दिखाया था पॉलिश की हुई थी, कैसा चमक रहा था, अभी देखो इसकी हालत, सिर्फ मिट्टी मिट्टी है यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये देखो पूरा मड गार्ड, ये भाई बाकी की बाइकों पे नीचे नीचे मिट्टी है, ऊपर से फिर भी साफ है। उदय की बाइक पे भी कम मिट्टी है, जो इस पर भी है, इस पर भी थोड़ी बहुत है, लेकिन मेरी वाली पे सबसे ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसको पॉलिश किया था तो उसे और ज़्यादा चिपकती है, आपको पता है धूल, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा धूल चिपक गई है। ऑटो फ्लिपर आता है ना भाई, ऑटो फ्लिपर पता है किसमें आता है, जो बड़ी बड़ी बाइक्स होगी जैसे RR 1000 इसमें भी है, कहाँ कैसे करते हैं इसमें? ऐसे कुछ नहीं, बस चलते रहना, खुद ही गियर लगाते रहना, मतलब अपने आप कोई अटकता बीच में वो झटका नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऑटो फ्लिपर है इसमें, ये चीज़ सही है भाई। अरे ये सारी पहले हाँ ये
दोस्तों अभी ये रोड से आगे चलेंगे, फिर देखते हैं आगे से क्या बनता है। जाना है वो सामने ऊपर, हाँ मतलब नहीं 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 वो पीछे वाला जहाँ से वो बंदे ऊपर जा रहे थे यार। रहने रहने चलो छोड़ो फिर रहने, चलो पंचर खाएंगे ठीक है। इधर से आओ। तो गाइस इसी बात कर रहा था मैं, पहाड़ जो बीच में आता है ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, वहाँ बड़ा सेक्सी लगता है बीच में रोड के बीच में पहाड़। और दोस्तों यहाँ पे हमारे दोस्त आ गए हैं बेड़े, ये देखो कितनी क्यूट क्यूट है, बीच में छोटी छोटी एक छोटी सी जा रही बीच में, बड़ी क्यूट सी है। और क्या हाल है मैं मुंडा में, आगे जो मोड़ आएगा ना उधर से नीचे जाना है। इसको बोला भी हाँ मुन्ना है इसका, नहीं मुझे पता भाई नीचे जो अड्डा है ना, अरे ये फिर कटरा वाली साइड जाता होगा। ओ भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ ये रास्ता सीधा अड्डे पे निकलेगा, उसको फोन करके बुला लो ना। गाइस भाई सारे अपनी मर्जी करते हैं, अब ये लंबा रूट पे आ रहे हैं। और गाइस ये देखो टैंक जो मैं पहले चलाता था, मैंने अब यहाँ पे शोपीस खड़ा किया है। इधर 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 अखरून निकलेगा, ये अखरून निकलेगा, वापस आओ यार उधर चलो। लेकिन भाई ये आगे जाके पुल आता, बड़ी सी व्यू आता वहां पे, लंबा पुल है सीधा, फोटो खिंचा देंगे उधर, लेट हो जाएंगे मतलब खाड़ी में आ गया। चलो फिर इधर से चलो, ये ना सीधा अखनूर जाएगा, चलो चलो अखनूर, चलो अखनूर मेन जहां पे आएगा मंदिर। ये शॉर्टकट है भाई, ऐसे अगर उधर जाना ऐसे बड़ा लंबा, ये पहले जाएगा कटरा, हाँ ठीक है चलें। गाइस ये वाला जो रास्ता है पिछली बारी में यहाँ से गया था, ये जाता सीधा अखनूर और ये वाला रास्ता जाता जम्मू। तो हमने मंथल में सोचा है खाने के लिए, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, पहले कटरा आएगा फिर उसके बाद आएगा मंथल, तो हम यहाँ से जाएंगे। ओ बैन चोर उधर पत्थर थे, पता तेरे को पत्थर थे वहाँ पे भाई साहब। आपने देखा मैं कैसे ऑफ रोड हो गया, वहाँ पे पत्थर थे और मेरी पीछे वाली ब्रेक भी नहीं है। तो गाइस देख लो ऐसा कुछ रोड है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे ना एक और जगह आती है जहाँ पे एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बाइक सीधा नीचे गिर गई थी पहाड़ी से। सर कटरा इधर है, इधर कहाँ जाता है जम्मू और अखनूर, हाँ हाँ आ गया आ जा। गाइस वो रास्ता नीचे अखनूर की तरफ जाता है और ये जम्मू जाता है,
करो आगे कटरा में निकलेगा चौक पे। गाइस ये देखा आपने, एक नट की वजह से मेरी पूरी लाइट उतर गई है, इसको टाइट करना पड़ेगा, लेकिन टाइट करूं कैसे। चलो एक ये जो चाबी के साथ एक चिप जैसी होती है इसको यहाँ पर घुसा के तो फिर घुमाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई ये काम तो कर रही है। यही होता है अगर आप अपनी बाइक का ध्यान नहीं रखते तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अच्छे से टाइट नहीं है ये, इसको यार चेक करवाने वाली है बाइक। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ नौ देवियाँ, और ये भी एक स्पॉट है, यहाँ से नीचे जाके नहाने वाली जगह है। अभी बाकी वाले लेकिन सारे आगे चले गए हैं, तो फिर मेरे को भी वहाँ जाना पड़ेगा। अभी सभी ने मंथल में रुकना है, तो यहाँ पे कभी और आएंगे। बाकी यहाँ से नीचे रास्ता जाता है और वहाँ पे नीचे स्विमिंग पूल है नहाने के लिए। सो वी विल कम हियर अनदर टाइम। तो अभी मेरे को मंथल ही जाना है, सो वहीं चलते हैं पहले। तो अभी जाएंगे हम सीधा कटरा, और गाइस ये है चेक पॉइंट, ये है नव दुर्गा बंगाल जो एरिया पड़ता है ये वो है। और मंथल में हमारा स्टॉपिंग पॉइंट था, लेकिन हुआ क्या कि इसकी लाइट का जो ये ऊपर वाला स्क्रू होता है ये ढीला था, जिसकी वजह से लाइट उतर गई, तो मैं पीछे रह गया, वो सभी आगे चले गए हैं। तो अभी मैं अकेले ही यहाँ से सफ़र कर रहा हूँ। ये वाला जो व्यू है ना, ये पूरा पैसा वसूल है यार, देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार व्यू। यहाँ से पूरा वैष्णो देवी का वो पूरा वो भवन दिख रहा है यहाँ से, आप देख सकते हो। और कटरा यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ से वीडियो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बड़ी कम बची है, क्योंकि सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आगे जाके हॉल्ट पे रुकूंगा जहाँ पे, वहाँ से आपको मिलता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, एंड यू कैन सी हियर आई एम रीच कटरा। एंड गाइस आपने सुनी कितनी आवाज आती है मेरी बाइक में से, गाइस इसको बोलते हैं पावर। पता मुझे यहाँ पे रोके अकेले बाइकर को, भाई तुम कहाँ घूम रहे हो। और देखो भाई ये देखो जो लुक है, इसकी वजह से अगर ये ऊपर से निकलता मैं तो स्लिप हो सकता था। और ये है आई लव कटरा बाली रिजॉर्ट, और ये फॉर्च्यूनर इंडिया का होटल है नहीं है जो खुला है यहाँ पे, अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, मतलब 3 स्टार है। और दोस्तों ये है अप्सरा चौक, यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है सीधा वैष्णो देवी, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे सारे दोस्त वहाँ पे ही हैं। अभी क्या बताया भी है नहीं यहाँ पे। हाँ जी सर, क्या हाल है, पहचाना मेरे को, आपकी दुकान पे आता था PNG वाला वो टैब लेके। रुको पहचाना, बस यार ट्रिप पे गए थे अखनूर से रियासी,
फिर आते वक्त यहाँ से आए हैं। वहाँ का रोड तो बड़ा टूटा फूटा है यार। राजे महाराजे तो आप भाई, हमने सेठों में कहा बैठ रहे हैं अंदर आराम से। चलो ठीक है, फिर आपको भेजूंगा मैं वीडियो। गाइस अभी यहाँ पे इतना रश इसलिए क्योंकि अभी खासकर इन दिनों में वैष्णो देवी में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मतलब बैरिकेड लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे बैरिकेड नहीं होता। क्योंकि सर्दियों में मैं यहाँ पे आता था, सर्दियों में बड़े कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। कौन मैं? इसको इसको अंदर इधर रख देते ना। ये आप उधर से सेट करा रहे हैं घूमर से दे देना। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ वो घूमर से करा लूंगा ना। प्रॉब्लम है कि इसकी बार बार लाइट उतरे जा रही है क्योंकि इसका क्लम्प का प्रॉब्लम हो गया होगा। लाइट खोल के बैग में डाल ली है। चलो आ जाओ। तो गाइस ये आता है हमारा यहाँ पे लास्ट नाका कटरा का। इसके बाद अभी बस एक रास्ता नीचे जाता है जो नारायणा हॉस्पिटल जाता है रास्ता, और एक आ जाता है हमारा जम्मू वाला हाईवे, और हम रुकेंगे ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड हमें नहीं जाना। और गाइस ये देखो मेरे दो छोटे छोटे दो बच्चे। हाय क्यूटी। ओए तेरे को चक्का लगा जहां पे वो आई नीचे मिट्टी मिट्टी। हाँ वो भी ऐसे ऐसे घूमा ना मोटरसाइकिल वहां पे। दोस्तों हम पहुंच गए हवेली, और ये है यहाँ से मैड क्रैक 2.0। ये है मैकडॉनल्ड्स। तो गाइस अभी हम यहाँ जो हवेली है उसके साथ में जो ये ढाबा है वैष्णो ढाबा सरदार जी नंदनी वाले, हम यहाँ पे अभी रुके हैं खाने के लिए। तो सारों ने बाइक यहाँ पार्क कर दी, और मेरी लाइट आप ये देखो पूरी निकल गई है, तो इसको भी सेट कराएंगे यहाँ, तो मैं खुद सेट करूँगा इसको। तो अभी चलते हैं, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। तो गाइस अभी यहाँ पे खाएंगे, फिर हम जाएंगे घर पे यहाँ से सीधा, फिर कहीं नहीं रुकना हमें कहीं। और सच में मेरे को जैकेट में ना इतना पसीना आ रहा है, गर्मी बड़ी ज़्यादा लग रही है, और मैं ये जैकेट खोलने लगा हूँ। ओके मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय।
और दोस्तों अभी जहाँ पे मैं आया था ये ऊपर वहाँ का टेरेस है, काफी अच्छा है। ये देखो सारे दोस्त बैठे हैं अपने यहाँ पे भाई, और काफी अच्छा व्यू है पीछे का बैकग्राउंड का। ये देखो कितना अच्छा व्यू है। राजमा चावल और घी देखो इसमें कितना ज्यादा घी है। सो गाइस अभी भी मैं घर पे हूँ। तो हुआ क्या था कि कल वहाँ से जब हमने खाना खाया उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस उसके बाद हम सभी वहाँ से आगे घर अपने अपने घर पे चले गए। तो यही था, बाकी काफ़ी मज़ा आया उस दिन। सो दैट्स ऑल फॉर दैट ब्लॉग। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। और यार मैं बड़ी मेहनत से व्लॉग बनाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बनाना, तो इसलिए मैं बनाता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो और मेरे व्लॉग देखते रहो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना अगर अच्छा लगा मेरा व्लॉग। तो बाय बाय, टेक केयर। Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I